दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मोठ्या जल्लोषात रंगारी गल्ली येथील राधाकृष्ण मंदिर ते वायगाव पर्यंत भव्य पायदळ पदयात्रेला सुरुवात करण्यात आली. रविवारी पहाटे मंदिरात पूजा अर्चना करून शेकडो भाविकांनी पदयात्रेत सहभाग घेऊन विविध मार्गाने वायगावकडे प्रस्थान केलेत. या दरम्यान वायगाव येथे सुद्धा महाआरती करण्यात आली. अमरावती ते वायगाव पर्यंतचा पायदळ वारीचा उपक्रम वायगाव पदयात्रा समिती वतीने कायम ठेवला. यावर्षी सुद्धा मोठ्या जल्लोषात रविवारी 28 जानेवारीच्या पहाटे 5 वाजता शेकडो भाविक दाखल झाले. रंगारी गल्लीतील राधाकृष्ण मंदिर येथे आधी महाआरती करून मोठ्या जल्लोषात पदयात्रेला सुरुवात करण्यात आली. Thank you.
जयघोषात आणि आतिषबाजी करून पदयात्रेला सुरुवात करण्यात आली. आयोजित पदयात्रेत शेकडो भाविकांनी सहभाग घेऊन जयघोष करीत विविध मार्गाने वायगाव गाठण्यात आले. यावेळी वायगाव पदयात्रा समितीचे सुरेश साबू यांनी आमच्या सिटी न्यूज कडे आपली प्रतिक्रिया स्पष्ट केली. बोल गणेशजी भगवान की जय. गणपती बाप्पा मोरया. अमरावती से वायगाव यात्रा का आयोजन गत 13 वर्षों से कर रहे हैं. सभी भक्तगण का हमें विशेष सहयोग मिलता है. इन भक्तों के सहयोग से ही हम यात्रा संपन्न करते हैं और सभी भक्तों का विशेष रूप से जगह जगह पर हमारे चाय पानी की व्यवस्था की जाती है. चांगापुर फाटे के ऊपर, बलगांव पर और वायगांव फाटे के ऊपर नाश्ते व्यवस्था की जाती है. सभी भक्तों का हम करीब करीब 6 बजे निकल कर 11 बजे तक पहुँचते हैं. इन पहुँचने के बाद में आरती होती है. आरती के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है. सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया कृतज्ञता तरीके से सभी को चलना है और सभी का साथ और सहयोग हमें मिलता है, इसी यात्रा को हम सफल करते हैं.